सिर्फ 10 दिनों में 7 किलो तक आपका वजन कम हो सकता है। इस होम रेमेडी को ट्राई जरूर करें। बहुत ही इफेक्टिव वेट लॉस की एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका निकला हुआ पेट दोबारा अंदर चले जाएगा और फिर आपको कभी भी इनडाइजेशन की, अपच की परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है लहसुन का। कई लोग अपने सुबह की शुरुआत करते हैं खाली पेट लहसुन खाकर। स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है, जो कि वर्षों से लोग आजमाते आ रहे हैं। सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। इससे पेट की सेहत दुरुस्त रहती है। लहसुन खाकर व्यक्ति कई रोगों से खुद को बचाकर रख सकता है। वहीं लहसुन के सेवन से वजन के साथ साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कच्चा लहसुन तो हर कोई खा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है भुने हुए लहसुन को कैसे खाएं? भुना हुआ लहसुन खाकर आप अपने वजन को बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से कम कर सकते हैं। जो लोग अपना वजन कम करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए सोने से पहले भुना हुआ लहसुन खाना काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से कम होता है, तेजी से काम करता है और वजन कम करने में आपको मदद मिलती है। तो हम आज यहाँ पर अपने लहसुन को भुनने वाले हैं। एक दिन में आपको केवल 5 या 7 ही लहसुन की कली का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 गार्लिक क्लोव्स को गर्म तवे पर डाला है। तवे को मैंने प्रीहीट करके रखा हुआ था और अब लहसुन की क्लोव्स को इसमें डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर काफी कम टेम्परेचर पर ना हम इसे भुनने वाले हैं। सेकेंगे हम लहसुन को दोनों साइड से, एक साइड सिक जाए उसके बाद आप इसे फ्लिप करें और दूसरी साइड भी आप इसे ढंग से सेकिए। लहसुन की सेकने की पहचान यह है कि ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए 15 मिनट बाद मेरा लहसुन अच्छी तरीके से भूरा होना शुरू हो गया है। लहसुन के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और जिससे कैंसर जैसे गंभीर रोगों से भी लड़ने में शरीर को मदद मिलती है। हड्डियां मजबूत होती हैं। भुना हुआ लहसुन खाने से व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही भुना हुआ लहसुन एंटी एजिंग भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन मरीजों को रोजाना भुने हुए लहसुन की 4 या 5 कली को जरूर खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को भी भुने हुए लहसुन का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इससे मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों का ही स्वास्थ्य में लाभ होता है। ये देखिए मैं लहसुन को लगातार इस तरीके से टॉस करती जा रही हूँ स्पून की मदद से, ताकि हमारा जो गार्लिक है ना वो दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा सिके। तो भुना हुआ लहसुन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना फास्ट हमारा मेटाबॉलिज्म होगा ना, उतना अच्छे से हमारा डाइजेशन हो पाएगा। जितना तेज मेटाबॉलिज्म उतना प्रॉपर डाइजेशन, उतनी तेजी से हम खाने को पचा पाएंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा तो हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन नहीं होगा। जो भी आप खाएंगे ना एनर्जी के फॉर्म में हमारे शरीर को लगेगा और वो फैट में कन्वर्ट ना होकर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट वेट लॉस का। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, वजन कम करना चाहते हैं, तो जरूरी है आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए और आपका पेट रोजाना ढंग से साफ होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो लोग अपना वजन कम नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए हमने यहाँ पर भुने हुए लहसुन का इस्तेमाल करा है। भुने हुए लहसुन के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या दूर होती है। अगर आपका भी पेट ढंग से साफ नहीं होता है तो आप भुने हुए लहसुन का इस्तेमाल करें। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में 4 या 5 लहसुन को डालें और इसे अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाइए। कच्चा लहसुन जो होता है ना, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, हम इसे नहीं चबाकर खा सकते। लेकिन अगर शहद के साथ आप भुने हुए लहसुन का सेवन करेंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है, क्योंकि जो भुना हुआ लहसुन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, काफी इजिली हमारे माउथ में ये डिजोल्व हो जाता है और शहद की मिठास के कारण लहसुन का स्वाद भी हमें नहीं आता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है वेट को कम करने के लिए। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में आप 3 या 4 करी लहसुन की सिकी हुई डालिए, रोस्ट करी हुई, और इसे च्यू करके खाइए। उसके बाद ऊपर से आप 1 ग्लास गर्म पानी पीकर सो जाइए। केवल 10 दिन में आप 5 से 6 किलो वजन बड़ी आसानी से कम कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्पून में हनी निकालना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक शहद का यूज करा है। तो जो भुना हुआ लहसुन होता है, इसे शहद के साथ जब हम मिलाकर खाते हैं ना, तो शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। जैसे अगर आप लोग सुबह उठकर थके थके महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं और सुस्त महसूस करते हैं ना, तो ऐसे में इस कमजोरी को दूर करने के लिए आप लहसुन को भुने हुए शहद के साथ जरूर खाएं। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर आप बिल्कुल तरोताजगी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और वीकनेस आपको बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आपको भुने हुए लहसुन को शहद के साथ खाना है। ऊपर से 1 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। ये रेमेडी बहुत इफेक्टिवली काम करेगी अगर आप इसे डेली यूज करेंगे तो। एक भी दिन का गैप नहीं करना है, सिर्फ 1 ही चम्मच खाना है शहद के साथ। और शहद इतना मीठा होता है, इतना टेस्टी होता है कि इसके साथ हम किसी भी कड़वी चीज को
बहुत ही आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली इस तरीके से भुने हुए गार्लिक को खाना बहुत पसंद है, इसके हेल्थ के लिए काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने इस वीडियो में काफी सारे बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।